जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दांपत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब और किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, शादी में बाधा क्यों आ रही है, जल्दी शादी के लिए क्या करें, तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म समय बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने जीवन साथी का पूरा विवरण, यानी कि नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म समय कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि अब आप हमसे कुंडली से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, बच्चों को, अपनों के, सबके लिए भी कुंडली बनवा सकते हैं और यह सेवा पूरी तरह से निशुल्क है। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, बस kpkiwani@gmail.com पर मेल करके आपको अपना विवरण देना है और हम आपको कुंडली बना कर देंगे। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ज्योतिष से संबंधित सभी तरह के आपके सवालों का जवाब यहाँ पर पूरी तरह से निःशुल्क दिया जाता है। आप सवाल पूछने में जरा भी संशय ना रखें कि शायद सवाल पूछने के बाद जवाब मिलेगा कि नहीं। तो आपको बताना चाहता हूं कि समय के अभाव के चलते आपको यथाशीघ्र यानी कि उसी समय जवाब देना मुश्किल हो जाता है। हालांकि समय के साथ यानी कि जब समय मिलता है तो हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। यह सेवा पूरी तरह से युवाओं के लिए समर्पित है और युवाओं का मार्गदर्शन कराना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हाँ, ऐसा होता है कि किसी किसी बंधु के कमेंट के रिप्लाई करने में देरी होती है, तो आप निराश बिल्कुल ना हो। जल्द आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियोस में दिया जाएगा ताकि आप केपी की वाणी से जुड़ सके। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम 3 कदम दूर हैं नए साल से, यह साल तो बहुत ही डरावना और सोच से परे वाला साल रहा, लेकिन आने वाला साल कैसा रहेगा, खासकर युवाओं के लिए जिनकी शादी होने वाली है और जो शादी योग्य है, तो हम इसी विषय पर आज एक नया टॉपिक बनाए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि एस नाम वाले के लव मैरिज होने की संभावना 2021 में कितनी है और किन लोगों की 2021 में लव मैरिज हो सकती है। दोस्तों, शादी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है, जबकि उससे भी बड़ा जीवन साथी से मिलना होता है, यानी कि सही जीवन साथी मिल जाए तो जीवन सवर जाता है और अगर बुरे साथी मिल जाए तो जीवन बिगड़ जाता है। कई लोगों को आपने सुना होगा कि शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी, तो यह कहीं ना कहीं सत्य भी है, क्योंकि अगर मन मुताबिक साथी ना मिले तो जीवन सही में बिगड़ जाता है। ऐसे में यह किसी भी व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसका जीवन साथी कैसा होगा और उसका स्वभाव किस तरह का होगा। जीवन में जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार ही शादी होती है, इसलिए हर किसी को शादी का निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी के रिश्ते बिजली की 2 तारों की तरह होते हैं, अगर सही जुड़े तो हर तरफ रोशनी फैल जाती है और अगर गलत तार जुड़ जाए तो चोर का झटका लगता है और ये झटका जिंदगी भर लगता रहता है। अगर इस झटके से बचना चाहते हैं आप, कई लड़के ऐसे बच भी जाते हैं, और अगर आप बचना चाहते हैं और आपने किसी को पसंद कर लिया है और उनसे शादी करना चाहते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी होगी, यही विषय को लेकर आज मैं आपको बताऊंगा कि एस नाम के लड़के और लड़कियों की लव मैरिज की संभावना 2021 में कितनी है। हालांकि माता पिता की सहमति से भी शादी करना कोई गलत नहीं होता है, यानी कि अरेंज मैरिज भी गलत नहीं होता है, लेकिन आधुनिक समय में लड़के और लड़कियां लव मैरिज को अधिक तवज्जो देने लगे हैं। अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज, हालांकि आप अपनी किस्मत से डरते हैं कि क्या होगा अगर उनसे शादी नहीं होगी, कैसे रह पाएंगे, तो आपको निराश नहीं होना और डरने की बात नहीं, बस केपी की वाणी पर जानकारी पाना है। इसके लिए आप कमेंट करें और जानकारी पाएं। आइए अब हम जानते हैं एस नाम के उन लड़के लड़कियों के बारे में जिनकी लव मैरिज 2021 में जरूर होगी। तो इसे हम इस तरह से जानेंगे, जैसा कि पहले भी वीडियो में बताया गया है कि जन्मदिन
और जन्म तारीख, इससे एक बहुत ही बेहतरीन संबंध बनता है। और अंक ज्योतिष के अनुसार यानी कि मूलांक के अनुसार ऐसा ज्योतिष शास्त्र में है कि कुछ तारीखों को जन्म लेने वाले जातकों की शादी लव मैरिज जरूर होती है। तो इसी शास्त्र के अध्ययन के बाद मैंने यह वीडियो बनाया है, तो इसे आप जरूर देखें और यह वीडियो आपको पसंद भी आएगा। तो जानते हैं कि एस नाम के किन लड़के और लड़कियों की शादी यानी कि लव मैरिज 2021 में जरूर होगी। अगर आपका जन्म शनिवार को हुआ है और जन्म तारीख है 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 30 और 31, यानी कि इन तारीखों में अगर आपका जन्म हुआ है और शनिवार का दिन है तो फिर आपकी 2021 में लव मैरिज जरूर होगी। जबकि शादी के योग के लिए 3 वर्ष हैं, 17, 20, 22, यानी कि 17 वर्ष के बाद से ही एस नाम के लड़के और लड़कियां प्यार में पड़ जाते हैं और 20-22 में होते होते इनकी चट मंगनी पट विवाह यानी कि शादी हो जाती है। अगर आपकी उम्र 17 वर्ष से अधिक है और आपका जन्म इन तारीखों में हुआ है तो यकीन माने कि आपकी लव मैरिज की संभावना सबसे अधिक है। यह 2021, 2023 या 2025 इनमें आपकी शादी जरूर हो जाएगी। हालांकि यह गणना उम्र के हिसाब से, अगर 17 वर्ष है, 20 वर्ष है, 22 वर्ष है, तो आप अपनी उम्र के अनुसार से देख सकते हैं कि आपकी उम्र क्या है और आप किसके काबिल है। अगर आपका जन्म रविवार को हुआ है और जन्म तारीख है 2, 4, 8, 12, 17, 22, 26, 30, तो 2020 और 21 यानी कि 20 और 21 यानी नवंबर दिसंबर और उसके बाद अगले साल में आपकी लव मैरिज जरूर होगी। जबकि शादी के योग 3 वर्ष में है यानी 21, 24, 26, यह एक ऐसी गणना है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। 3 वर्ष यानी कि ये मैं बता रहा हूं कि किसी को 21 वर्ष में प्यार हो गया, किसी को 24 वर्ष में प्यार हो गया, सच्चा प्यार हो गया, किसी को 26 वर्ष में सच्चा प्यार हो, तो यानी कि 26 वर्ष वाले ने जिसने भी सच्चा प्यार कर लिया और दोनों राजी हैं लड़के और लड़कियां, तो फिर उनकी शादी हो जाएगी 24 वर्ष वाले में भी और 21 वर्ष में। हालांकि अगर आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है और आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं और आपका जीवन साथी आपसे प्यार करने के लिए भी बेकरार है यानी कि दोनों राजी हैं, तो फिर आपकी शादी जरूर होगी। अगर आपका जन्म सोमवार को हुआ है और जन्म तारीख है 2, 3, 6, 11, 13, 17, 21 और 29, तो आपकी 2021 में लव मैरिज जरूर होगी। जबकि शादी के योग 3 वर्ष है यानी कि 3 उम्र वाले लोगों के लव मैरिज संभावना 2021 में सबसे अधिक है। यानी कि समझ सकते हैं कि एस नाम के लड़के ढेर सारे होंगे, एस नाम की लड़कियां ढेर सारी जिनकी उम्र 25 वर्ष है, किसी की 23, किसी की 20, तो उनकी शादी के योग 20 वर्ष से ऊपर होने पर बिल्कुल 100% है। तो अगर आपका जन्म सोमवार को हुआ है और इन तारीखों में हुआ है तो आपकी शादी जरूर होगी, वो भी लव मैरिज। अगर आपका जन्म मंगलवार को हुआ है और जन्म तारीख है 2, 3, 4, 8, 11, 15, 21, 24 और 31, तो 2021 में आपके लव मैरिज की संभावना सबसे अधिक है। जबकि शादी के योग के लिए 3 वर्ष हैं, 21, 24, 26, यानी कि अगर आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है और आप किसी से लव करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं और आपका जीवन साथी भी आपकी बातों से सहमत है, तो लव मैरिज की संभावना सबसे अधिक है आपकी 2021 में। अगर आपका जन्म बुधवार को हुआ है और जन्म तारीख है 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 29, तो 2021 में आपकी लव मैरिज की संभावना सबसे अधिक है। जबकि शादी के लिए 3 वर्ष हैं, 21, 24, 26, यानी कि अगर आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है तो आपकी शादी जरूर हो जाएगी। अगर आपका जन्म गुरुवार को हुआ है और जन्म तारीख है 2, 4, 11, 15, 17, 21, 29, 31, तो 2021 में आपकी लव मैरिज की संभावना सबसे अधिक है यानी कि लव मैरिज जरूर होगी। जबकि शादी के योग हैं 3 वर्ष हैं, 22, 25, 27, यानी कि 27 वर्ष वाले में किसी उम्र में किसी को ट्रू लव हो गया है तो उनकी भी शादी हो सकती है। अगर 25 वर्ष में किसी को ट्रू लव हो गया और दोनों पक्ष राजी है, दोनों पक्ष सहमत है यानी कि लड़के और लड़की दोनों सहमत है शादी के लिए, तो उनकी शादी जरूर होगी। अगर आपका जन्म शुक्रवार को हुआ है और जन्म तारीख है 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 24, 26, 29, 30,
तो 2021 में आपकी शादी जरूर होगी। और अगर आपकी उम्र 24 वर्ष से अधिक हो गई है और आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं और वो भी आपसे बेइंतहा प्यार करते या करती हैं, तो फिर आपकी शादी की संभावना जरूर बनेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। अगर इसके अतिरिक्त आप इसे मानते हैं, अपनाते हैं या उपयोग करते हैं, तो अपने किसी नजदीक के ज्योतिष से सलाह ले अथवा प्रकांड पंडित से संपर्क करें। इसके लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट और मेल में हमें जानकारी देकर अपनी जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई है, इसमें बदलाव संभव है। यह बदलाव तब संभव है जब आप कर्म के अनुसार कार्य करते हैं और ग्रह गोचर में कोई बदलाव आता है। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्ले लिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर हाजिर रहूंगा। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मुझे इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। नमस्कार।